ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर से हरियाणा के पानीपत में काम की तलाश में पहुंचे युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर हाथ काटा, युवक की हालत गंभीर। परिजनों का आरोप, संबंधित थाने में शिकायत किए जाने के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। परिजनों की मांग, आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ की जाए कड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद के नानौता नगर निवासी एक युवक काम की तलाश में हरियाणा गया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि पानीपत में उनके भाई का अज्ञात लोगों ने हाथ काटकर उसे अधमरा कर दिया। पीड़ित युवक के भाई इकराम सलमानी का कहना है कि लगभग दो सप्ताह पूर्व उसका छोटा भाई 23 वर्षीय इखलाक काम की तलाश में हरियाणा के पानीपत शहर गया हुआ था। आरोप है कि रात्रि के समय जब वे वहां किसी पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसी समय वहां दो युवक आए और किसी बात को लेकर उक्त युवकों के साथ उसके भाई इखलाक की कहासुनी हो गई। उस समय तो युवक चले गए, लेकिन कुछ देर बाद जब लौटे तो उनके साथ एक महिला भी थी। इन सभी ने मारपीट करते हुए उसके भाई को जबरदस्ती एक कमरे में बंधक बना लिया, जहां पर बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए न सिर्फ धारदार हथियारों से उसका दाहिना हाथ काट दिया, बल्कि उसे मरा हुआ समझकर उसे रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। आपका नाम? इकराम सलमानी। कोरोना की वजह से हमारा कारोबार ठप हो चुका है। मेरा भाई काम धंधे की तलाश में हरियाणा पानीपत में गया हुआ था। मुझे वहाँ पर कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो वो पार्क में जाके बैठ गया था। तभी दो लोगों ने उसका नाम पूछा, उसको मारना शुरू कर दिया। इसने ये ध्यान नहीं दिया वो लोग किधर को गए, और वो फिर ये वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गया। और इसने आसपास में पानी देखा, इसको पानी वहाँ पे कहीं नहीं मिला। एक दरवाज़ा दिखा इसको, इसने उस दरवाजे पर हाथ मारा, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर खींच लिया। वो प्लानिंग कर चुके थे अपनी, तो वहाँ पे अंदर खींचने के बाद में बहुत बेरहमी से मारा, और मारने के बाद उन लोगों ने आरा मशीन से 786 लिखा हुआ हाथ काट दिया। तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में तो उसको रेल की पटरी पे केस को गुमराह करने के लिए पटरी पे फेंक दिया, और पटरी पे फेंकने के बाद में इसको तकरीबन 5 बजे करीब होश आया। 5 बजे होश आने के बाद एक राहगीर से कहा, भाई मेरा घर बता दे। इस घटना के बारे में उसने हमें जानकारी दी, तो तभी हमारे मिलने वाले हैं पानीपत के अंदर। हमने उन्हें बताया, भाई देखा उस शिनाख्त करके कौन है, तो उन्होंने बताया मुझे, तो इसकी शिनाख्त हुई। तो फिर उन लोगों ने, एसआई बलवान ने उसको पानीपत अस्पताल में एडमिट कराया। तकरीबन 8 बजे का टाइम रहा होगा, 8 बजे के करीब उन्होंने इसको रेल का मामला बता के एडमिट करवाया बलवान जी ने। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, उन्होंने बोलता रहा। मैंने कहा, भाई ये वैसे ही मामला है, बलवान ऐसा ही है वहाँ के आरपी के। अच्छा। उन्होंने बोलता रहा। मैंने कहा, सर ये रेल का मामला नहीं है, रेल का मामला कहलाया। तू बोली बात करने लग रहा, तो मेरी गल्ला चलो, मुझे मेरी गल्ला चल, मैं उसकी गल्ला आया, उसने बताया मुझे, कहने लगा यहाँ पे कटाए, उन्होंने मुझे खून नहीं पड़ा हुआ दिखाया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, कहने लगा यहाँ पड़ा था, काफ़ी दूरी पर पटरी से यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने ठीक है जी। कहने लगा यार यहाँ से ना जो दीवार कुदा 6 फुट के 5.5 फुट की दीवार होती है वहाँ पे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कुदा दीवार कुदा। मैं कहने लगा जी ठीक है। कहने लगा यहाँ से सारे में हंडा। मैंने कहा ठीक है। मैंने किन्ने बताया? कहने लगा लोगों ने बताया। मैंने कोई गवाह है? कहने लगा यार गवाह कौन ही है, लेकिन बताया लोगों ने। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे घुमाया सारे एरिया, मैंने जगह जगह देखा, वहाँ खून पड़ा हुआ था। एक ईंट सीमेंट की है वो मैंने उठा ली, खून में बंडी भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी उठा ली। तो मैंने दीवार कूद के देखा, तो मेरे पे वो दीवार नहीं कूदा गया, मेरे दोनों हाथ है, ताकि इसके एक हाथ था। अच्छा। तो मैं यहाँ से चल पड़ा था, तो मुझे फ़ोन आया, कहने लगा भाई पानीपत से रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया है, तुम कहाँ हो? मैंने बोला, मैंने तुम रोहतक चलो, मैं आने लग रहा। तो मैं रोहतक पहुँचा, पहले सीरियस है, फिलहाल इसको चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ हम ले जाएंगे, इसका अच्छे से इलाज कराएंगे। चोट इसकी बॉडी के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे चोट ना हो। और हाथ भी कटा हुआ है इसका? इसका एक हाथ कटा हुआ है सज्जा, जिस पर 786 लिखा हुआ था। सर में सीमेंट की ईंट लगी है सर, वो ईंट मेरे पास है फिलहाल, मैंने पन्नी से ठाली थी उसको वहाँ से मौके से। पुलिस ने मुझे सिर्फ गुमराह किया है, मैं सारे में घूमता रहा, तड़पता रहा, हर बात से उन्हें समझाता रहा। मैंने सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे सिर्फ कहने लगा यार फैसला कर ले, एक बात मुझे एसआई किशन ने कही है। कहने लगा वो उनका एनसी आया था, ये सब कुछ हो रहा है, ये एनसी की उस पर से हुआ है, सब मिली भगत से हुआ है, एनसी ने ये सारी घटना करवाई है। एनसी कौन? वहाँ का एक मेंबर होता है एनसी, उसकी फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो भी दूंगा मैं आपको। ये सब घटना उसने कराई है, और पूरी सोची समझी साजिश के साथ हुई है, सिर्फ इसका कसूर इतना है ये मुसलमान है।